एक बात का ध्यान रखते हैं, जब हम श्वास लेते हैं तो किसी प्रकार की रियायत नहीं करते हैं, ऐसे लेकिन जब हम श्वास को निकालते हैं पहले तो धीरे धीरे निकाल देते हैं, जब निकल जाती है तो फिर जोर से पेट को पीछे को धक्का देते हैं, यानी पेट का जोर लगा करके हम श्वास को पूरी तरह से निकालते हैं तभी निकलती है, नहीं तो फेफड़े के निचले भाग में थोड़ी श्वास भरी रहती है, थोड़ा प्राण भरा रहता है। तो यानी कहने का मतलब महत्वपूर्ण ये है कि हमारी जो प्राणवायु भरी हुई है इसमें फेफड़े के निचले भाग में, उसे निकालने के लिए हम जोर से नाभि को पीछे की ओर ढकेलते हैं, जोर लगाते हैं, कितनी प्राणवायु, सारी प्राणवायु को बाहर निकाल लेते हैं, अर्थात पूरे फेफड़े से काम लेते हैं। जो अभी तक आधा फेफड़ा काम करता है सामान्य अवस्था में, इस समय पूरा फेफड़ा काम करता है, क्योंकि हम जोर से सांस लेने पर पूरा फेफड़ा भर जाता है, जब निकालते हैं तो निचले भाग की भी वायु निकल जाती है। अच्छा, इसी में जो चार स्टेप का प्राणायाम है सिर्फ एक बार करेंगे, क्योंकि समय का अभाव है, आगे आसन भी करना है, तो एक बार सभी लोग करेंगे चार स्टेप का। उसमें क्या करेंगे कि जब हम रेचक कर देते हैं अर्थात बाहर निकाल देते हैं, तो थोड़ी देर ठहरेंगे फिर श्वास लेंगे, करते हैं, पूरक किया यानी श्वास को लिया, श्वास को लेना यानी पूरक करना, पूरक करते हैं जी, श्वास ले लीजिए, कुंभक लगाइए, जितना लगे कुंभक लगाइए, जिसका कुंभक जितनी देर तक लगे लगाए, मैं बोलता हूँ, मेरे बोलने पर ध्यान ना दें कि कुंभक कब छोड़ना है, जिसको जितना लगा सके अच्छी बात है, आवाज बढ़ाएं। जब कुंभक तोड़ना हो अर्थात श्वास को बाहर निकालना हो, धीरे धीरे करके निकाल दें, जब श्वास निकल जाए तो जल्दी श्वास ना लें अर्थात वाह कुंभक करें, जोर से निकालते हैं, यानी पेट को, अभी मैंने बताया कि पीछे की ओर धक्का देते हैं, पूरी वायु बाहर को निकाल देते हैं, इस प्राणायाम को एक बार करना है। इसलिए नहीं निकालते हैं, हमने बताया कि जब रेचक करें तो धीरे धीरे करें, धीरे धीरे निकालते हैं, जल्दी से नहीं निकालते, उसका कारण ये है कि शुरुआत में समझ में नहीं आता है, लेकिन जब प्राणायाम का अभ्यास बढ़ता है तो सूक्ष्म शरीर प्रभावित होता है, तो ये प्राण सूक्ष्म रूप से, स्थूल रूप से तो निकल रहा है लेकिन सूक्ष्म रूप से भी क्रिया होती है, सूक्ष्म प्राण भी सूक्ष्म शरीर के अंदर क्रिया करता है, वही तो शुद्ध करता है, सिर्फ स्थूल शरीर नहीं सूक्ष्म शरीर भी शुद्ध होता है। तो जो ये प्राणवायु सूक्ष्म रूप से सूक्ष्म शरीर में क्रिया कर रहा है, मस्तिष्क के क्षेत्र में, सिर के क्षेत्र में, अगर हम जल्दी से प्राण को बाहर निकाल देंगे तो जो मस्तिष्क की सूक्ष्म कोशिकाएं होती हैं, दबाव देकर के जो हम उनमें प्राण भर देते हैं, अगर जल्दी से निकालेंगे तो जरूरी नहीं कि वो सारा प्राण बाहर निकल जाए, हो सकता है कि प्राण का कुछ अंश उन सूक्ष्म कोशिकाओं में विद्यमान रहे, ये एक अच्छी बात नहीं है, इसीलिए कहा है कि धीरे 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 प्राण को बाहर निकालते हैं, जब निकालते हैं तो जोर लगाते हैं नाभि का, ताकि जो सूक्ष्म कोशिकाओं में प्राण भरा हुआ है धीरे धीरे बाहर निकल जाए, जब जोर लगा करके भरते हैं तो उन कोशिकाओं में प्राण भर जाता है, अर्थात सूक्ष्म शरीर के
सूक्ष्म कोशिकाओं में जो प्राण भरता है और निकलता है तो उसमें ये क्रिया होती जाकर के तब शुद्धता होती है, इसलिए इसमें कठोरता बरतना जरूरी है। अच्छा, ये सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी प्राणायाम हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रिमेम्बर टू लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब।